हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम विषाणु यानी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें विषाणु के परिभाषा या विषाणु के बारे में पता होना चाहिए कि विषाणु सूक्ष्मदर्शी यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक अकोशिकीय यानी कि नॉन सेलुलर जीव हैं, जो सजीव कोशिका के बाहर अक्रिय होते हैं और रवेदार संरचना यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। तो परासूक्ष्मदर्शी का मतलब, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मीन्स क्या होता है कि ऐसे जीव जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई देते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव कहलाते हैं। लेकिन जो जीव या जो संरचना केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कि परासूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। अकोशिकीय जीव यानी कि जिनमें सेल्स अनुपस्थित होती है, कोशिका अनुपस्थित होती है, और इनमें खास बात क्या है कि ये सजीव कोशिका के बाहर अक्रिय होते हैं और लिविंग सेल के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और रवेदार संरचना यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। विषाणु परासूक्ष्मदर्शी कोशिका रहित संक्रमणकारी कण होते हैं। इन्हें हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये संक्रमणकारी कण हैं जिनमें जीनोम के रूप में न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और सामान्यतः किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जाते, या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। अधिकांश पादप वायरसेस में आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ, जबकि अधिकांश जंतुओं में और बैक्टीरियोफेज में यानी कि जीवाणु भोजियों में जो जीवाणु पर परजीवी होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जो वायरस है उसका टर्म का मतलब पॉइजन यानी कि विष होता है, और क्योंकि कोई भी वायरस सामान्यतः लाभकारी नहीं होता इसलिए इनको ये नाम दिया गया है, क्योंकि ये अधिकतर हानिकारक ही होते हैं। ये अविकल्पी यानी कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर यानी कि अंतःकोशिकीय पैरासाइट है, परजीवी है, जो केवल जीवित सेल्स में ही जनन की प्रॉपर्टी, जनन का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज रूस के जैव वैज्ञानिक डीजे आइवनोवस्की ने 1892 में तंबाकू में यानी कि टोबैको में की थी। WM बेजरिंक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस, अगर किसी संक्रमित पौधे के किसी पार्ट से रस निकालकर, तरल निकालकर, फ्लूइड निकालकर स्वस्थ पौधे में डाल दिया जाता है तो वो पौधा, जो स्वस्थ पौधा था, वो भी संक्रमित हो जाता है। इसका मतलब उस रस में, उस फ्लूइड में, उस तरल में कुछ ऐसा होता है जिससे वो स्वस्थ पादप भी रोगी हो जाता है। और उन्होंने इस तरल को यानी कि रस को कंटेंजियम वाइनम फ्लूइडियम यानी कि संक्रामक जीवित तरल कहा। ये वायरस बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से भी छोटे होते हैं, क्योंकि ये उस फिल्टर से भी पास हो जाते हैं जिससे जीवाणु पास नहीं हो पाते, जिससे जीवाणु छनकर अलग कर लिए जाते हैं, उस फिल्टर से भी वायरस बाहर निकल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। वायरस शब्द को बेंजरिक ने ही प्रस्तुत किया था, क्वाइंड किया था, और WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल्स के रूप में यानी कि रव के रूप में प्राप्त किया, यानी कि सबसे पहले WM स्टेनले ने वायरस के क्रिस्टल्स प्राप्त किए। जो वायरस है उसका जो परिमाप है, साइज, जो नॉर्मल साइज होता है वायरस का वो 10 nm से लेकर 400 nm के बीच होता है, और सबसे छोटा पादप विषाणु जो होता है वो तंबाकू नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस होता है, जिसका साइज 17 nm के आसपास होता है, जबकि सबसे लंबा पादप विषाणु सिट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु होता है, जिसका साइज 200 × 12 nm होता है, नैनोमीटर होता है।
सबसे छोटा जंतु या पाड़ी जो वायरस है वो है फुट एंड माउथ विषाणु, यानी कि पाद एवं मुख विषाणु, जो 10 nm साइज शो करता है। और सबसे बड़ा जो प्राणी यानी कि जंतु वायरस होता है वो पॉक्स वायरस होता है, जिसका साइज 400 nm होता है। बाकी सब विषाणुओं का साइज इनके 10 nm से लेकर 400 nm के बीच होता है। विषाणु की जो आकृति है, शेप है, वो बेसिकली तीन प्रकार की होती है, कुंडलित यानी कि हेलिकल, आयत फलकी यानी कि क्यूबॉडियल और बाइनियल। इसमें बॉडी जो होती है लंबी बॉडी होती है, शरीर इसका लंबा पतला होता है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस का। आयत फलकी में, क्यूबॉडियल में छोटा चौड़ा शरीर होता है, गोल पॉलीहेड्रल आकृति होती है, जैसे पोलियो वायरस की। और बाइनियल का मतलब बाई माने दोनों, जिसमें हेलिकल और क्यूबॉडियल दोनों भाग उपस्थित होते हैं, हम उन्हें बाइनियल यानी कि जो जिसमें दोनों के भाग उपस्थित होते हैं, हम बाइनियल वायरस कहते हैं। अब हम वायरस की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वायरस की संरचना में बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है केंद्रक आव यानी कि न्यूक्लियोइड। दूसरा होता है कैप्सिड। तीसरा होता है आवरण यानी कि एनवलप। और चौथा होता है विकर यानी कि एंजाइम। केंद्रकाव यानी कि विषाणु का जो न्यूक्लियोइड होता है वो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, जो इसके आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल को प्रदर्शित करता है। और किसी भी वायरस में सामान्यतः जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो डीएनए होता है या वो आरएनए होता है। अर्थात किसी भी वायरस में सामान्यतः डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ नहीं होते, या तो उसके अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होगा या उसके अंदर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। विषाणु में जो किसी भी विषाणु में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। अधिकांश पादप विषाणुओं में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि अधिकांश जंतुओं में और बैक्टीरियोफेज में यानी कि जीवाणुभोजी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन जीवाणुओं में जो जंतु जीवाणु हैं उनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो संक्रामक होता है, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, संक्रामक होता है। तो संक्रामक का मतलब, इन्फेक्टेड का मतलब, ये रोग उत्पन्न करता है। तो रोग उत्पन्न करने वाला जो पार्ट है वायरस में वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए। प्रायः सभी पादपों में जो पादप विषाणु है उनमें एक सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एक कुंडलित आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और जंतुओं में द्वि कुंडलित डीएनए होता है। लेकिन कुछ पादपों में या कुछ जंतुओं में एक्सेप्शन पाए वायरस में एक्सेप्शन पाए जाते हैं। तो सामान्यतः जो जंतु विषाणु हैं उनमें जो डीएनए होता है, लेकिन डीएनए के अलावा उसमें कभी कभी आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। डीएनए सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड यानी कि द्वि कुंडलित होता है, लेकिन कभी कभी वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जैसे सामान्यतः डीएनए द्वि कुंडलित होता है, लेकिन फेज 174 में, S13 फेज में, और जो पार्वो वायरस
इन वायरसेस में जो डीएनए होता है वो एक कुंडलित होता है। इसी प्रकार से जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अर्थात एक कुंडलित होता है। लेकिन किसी किसी वायरसेस में ये आरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, जैसे रियो वायरस में, वाउंड ट्यूमर वायरस में और राइस ड्वार्फ वायरस में, वाउंड वायरस में, वाउंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस। इनमें जो आरएनए होता है वो द्वि कुंडलित होता है। सामान्यतः डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन फेज 174 में, S13 में और पार्वो वायरस में वो एक कुंडलित डीएनए होता है, जबकि आरएनए सामान्यतः एक कुंडलित होता है, लेकिन वाउंड ट्यूमर वायरस में, रियो वायरस में और राइस ड्वार्फ वायरस में जो आरएनए होता है वो द्वि कुंडलित होता है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है कैप्सिड। इस जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियोइड के चारों तरफ प्रोटीन की एक कवरिंग उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। तो जो इसका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि केंद्रकाभ होता है, न्यूक्लियोइड होता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन की एक कवरिंग उपस्थित होती है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड अनेक सूक्ष्म उप इकाइयों यानी कि सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये कैप्सोमियर्स विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होकर भिन्न भिन्न वायरसेस को भिन्न भिन्न शेप, भिन्न भिन्न आकृति प्रदान करते हैं, अर्थात जो उसकी आकृति होती है, जो अलग अलग वायरस की अलग अलग आकृति होती है वो बेसिकली मुख्यतः कैप्सोमियर्स की व्यवस्था के कारण होती है। कैप्सोमियर विभिन्न प्रकार की आकृति में व्यवस्थित होकर उस वायरस को, उस विशेष शेप को प्रदान करते हैं। अब जो ये कैप्सिड होते हैं ये विभिन्न आकृति प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये एंटीजेनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कैप्सिड जो होता है वो एंटीजेनिक गुण प्रदर्शित करता है। एंटीजेनिक का मतलब ये एंटीजेनिक, एंटीजन की तरह काम करता है, प्रतिजैविक जो एंटीजन होते हैं जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती है। तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती है, इसलिए ये एंटीजेनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके खिलाफ बॉडी में जाने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है इनको मारने के लिए। अब आनुवंशिक पदार्थ तथा कैप्सिड, यानी कि ये माना फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए प्लस कैप्सिड, तो जो उसका आनुवंशिक पदार्थ है यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डीएनए प्लस कैप्सिड या आरएनए प्लस कैप्सिड, क्योंकि सामान्यतः वायरस के अंदर या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए प्लस कैप्सिड या आरएनए प्लस कैप्सिड को जो एक निर्मित पार्टिकल होता है, जो संपूर्ण कण होता है, ये जो कण बन रहा है संपूर्ण कण, जो किसी पोषक को यानी कि होस्ट को संक्रमित करता है वो क्या कहलाता है, विरियोन कहलाता है। तो एक ऐसा कण जो डीएनए प्लस कैप्सिड से या आरएनए प्लस कैप्सिड से, यानी कि वायरस के आनुवंशिक पदार्थ प्लस कैप्सिड से मिलकर बना होता है और वो किसी पोषक को संक्रमित कर सकता है, वो विरियोन कहलाता है। अब
इसके बाद अब जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिन पर इस कैप्सिड के चारों तरफ एनवलप पाया जाता है, और इस एनवलप की जो सब यूनिट्स होती हैं, यानी कि जिन चीजों से मिलकर, जिन छोटी इकाइयों से मिलकर ये एनवलप यानी कि आवरण बनता है, उनको हम बोलते हैं पेप्लोमियर्स। पेप्लोमियर्स मिलकर क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं, यानी कि कैप्सिड आवरण बनाते हैं, यानी कि एनवलप बनाते हैं। अब जो ये आवरण होता है, आवरण मुख्यतः जो होता है वो लिपिड से मिलकर बना होता है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि इसका जो निर्माण होता है वो विषाणु उद्भव की प्रोटीन, यानी कि इसका जो आवरण है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से, जो विषाणु उद्भव वाली होंगी। विषाणु उद्भव से मतलब क्या है कि उसका निर्माण विषाणु ने किया होगा, लेकिन साथ में उसके साथ साथ जो प्रोटीन है उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड भी होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो होता है ये पोषक के ओरिजिन में होती हैं, अर्थात ये इनका जो ओरिजिन होता है यानी कि उसका जो उद्भव होता है वो पोषक उद्भव होता है, अर्थात उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो निर्माण होता है वो पोषक से होता है। तो पोषक के उद्भव वाली कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के साथ प्रोटीन जो वायरस के यानी कि विषाणु के उद्भव वाली होती है, ये मिलकर इसका आवरण बनाते हैं। और जो एनवलप पाया जाता है उसका एग्जाम्पल होता है हर्पीज वायरस, उसके बाद HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो मनुष्य में एड्स करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस। इन वायरसेस में एक एक्स्ट्रा एनवलप पाया जाता है, और एक ऐसे विषाणु जिनमें एनवलप पाया जाता है यानी कि आवरण पाया जाता है, उन्हें हम एनवलप्ड अथवा लिपोवायरस बोलते हैं, जबकि यानी कि आवरण युक्त, और इसे बोलते हैं हम नेक्ट यानी कि नग्न वायरस, जिनके अंदर एनवलप अनुपस्थित होता है। एनवलप अनुपस्थित तो उसे नग्न वायरस बोलते हैं, और जिसमें एनवलप उपस्थित होता है हम उन्हें लिपोवायरस या एनवलप्ड वायरस कहते हैं। तो सभी वायरसेस में यह नहीं होता, इसका एग्जांपल है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, तंबाकू का मोजाइक वायरस। इसके बाद चौथा जो है वो है एंजाइम यानी कि विकर। जो एंजाइम है वो वायरसेस में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम्स यानी कि विकर पाए जाते हैं, जैसे जो बैक्टीरियोफेज होते हैं यानी कि जीवाणु भोजी होते हैं, उनमें लाइसोजाइम पाया जाता है। इसके अलावा जो HIV वायरस होता है, जो RNA वायरस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। जो RNA वायरस होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि विपरीत अनुलेखन एंजाइम होता है, तो इनमें एंजाइम होते हैं
रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज यानी कि विपरीत अनुलेखन विकर। तो इनमें एक तो रिवर्स अनुलेखन एंजाइम होता है और डीएनए पॉलीमरेज टाइप के एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। तो सामान्यतः एंजाइम्स सभी वायरसेस में एब्सेंट होते हैं लेकिन इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये वायरस की स्ट्रक्चर होती है जिसमें चार मेन पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोइड यानी कि केंद्रकाभ, कैप्सिड आवरण यानी कि एनवलप और विकर यानी कि एंजाइम। नॉर्मली जो सभी वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका न्यूक्लियोइड कहलाता है, वो सेंट्रल पार्ट होता है और वो उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है जो संक्रामक होता है अर्थात रोग उत्पन्न करता है, या तो वो डीएनए होता है या आरएनए होता है। सामान्यतः डीएनए या आरएनए दोनों साथ नहीं होते हैं। डीएनए सामान्यतः है द्विकुंडलित होता है और जंतुओं में और जीवाणुभोजियों में पाया जाता है। आरएनए सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंड होता है, पादप विषाणुओं में पाया जाता है, लेकिन फेज 174 में, S30 में और पार्वो वायरस आदि में एक कुंडलित डीएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए एक कुंडलित होता है लेकिन वोन ट्यूमर वायरस में, रियो वायरस में, राइस ड्वार्फ वायरस में आरएनए द्विकुंडलित होता है। इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग उपस्थित होती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है, सब यूनिट से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। कैप्सोमियर्स यानी कैप्सिड जो होते हैं एंटीजेनिक गुण प्रदर्शित करते हैं अर्थात उनके खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित होती है। कुछ वायरसेस जैसे हर्पीज, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस में इस कैप्सिड के चारों तरफ एक कवरिंग और प्रेजेंट होती है जिसे हम आवरण यानी कि एनवलप बोलते हैं और उसकी यूनिट जो होती है पैप्लोमियर्स होती है। आवरण सामान्यतः है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन जो होती है विषाणु उद्भव वाली होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पोषक उद्भव वाले होते हैं। ऐसे वायरस जिसमें एनवलप पाया जाता है उन्हें हम एनवलप्ड वायरस या लिपोवायरस कहते हैं यानी कि आवरण युक्त वायरस विषाणु कहते हैं। इनमें आवरण उपस्थित होता है जैसे हर्पीज, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, लेकिन जिनमें वायरस में एनवलप अनुपस्थित होता है जैसे टीएमवी उन्हें हम नेक्ड वायरस यानी कि नग्न वायरस बोलते हैं। समानतः है विकर यानी कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं लेकिन जीवाणु भोजियों में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है रेट्रोवायरस में जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम विषाणुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे यानी कि विषाणुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। विषाणु यानी कि वायरस का जो वर्गीकरण होता है वो अनेक आधारों पर किया जाता है। यहाँ पर हमने जो वर्गीकरण किया है वो उसके आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर किया गया है। यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर जो विषाणु हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, डीएनए विषाणु यानी कि डीएनए वायरस, आरएनए विषाणु यानी कि आरएनए वायरस और डीएनए आरएनए विषाणु यानी कि डीएनए आरएनए वायरस। वे विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है हम उन्हें डीएनए विषाणु कहते हैं, जबकि वे विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है वो आरएनए विषाणु कहलाते हैं। और कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। सामान्यतः जो वायरस होते हैं उनमें या तो डीएनए उपस्थित होते हैं या आरएनए उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनली कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डीएनए आरएनए विषाणु। डीएनए विषाणु का जो एग्जाम्पल है वो पार्वो विषाणु है, हर्पीज विषाणु और अधिकांश जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी वे वायरस होते हैं जो किसी जीवाणु पर परजीवी होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और अधिकांश जीवाणुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है और कुछ विषाणुओं में, कुछ जीवाणु भोजियों में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। आरएनए विषाणु इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है जैसे रोटा विषाणु, रोटा वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, इबोला वायरस और डेंगू वायरस जो होते हैं वो आरएनए वायरस के एग्जाम्पल हैं। नॉर्मली आरएनए वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं डीएनए वायरसेस की कंपैरिजन में, क्योंकि आरएनए वायरसेस में आरएनए के अंदर दो एक ओएच ग्रुप ज़्यादा होता है डीएनए के कंपैरिजन में। डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में शुगर होती है राइबोज। तो राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद डीऑक्सीराइबोज शुगर का निर्माण होता है, इसीलिए जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज उसमें एक ओएच ग्रुप कम होता है
राइबोस शुगर के कंपैरिजन में। इसलिए राइबोस शुगर ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा म्यूटेबल होती है, ज़्यादा उत्परिवर्ती होती है और ज़्यादा एक्टिव होती है 2H के कारण, जबकि जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस वो कम एक्टिव होती है क्योंकि उसमें एक OH ग्रुप उसके कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए RNA वायरसेस वाले जो वायरस RNA जेनेटिक मटेरियल वाले जो विषाणु होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत तेज़ी से उत्परिवर्तित कर लेते हैं, म्यूटेट कर लेते हैं और कोई भी वैक्सीन जल्दी से उन पर काम नहीं कर पाती, कोई भी दवाई उन पर काम नहीं कर पाती है। जैसे ही वो करने के लिए तैयार होती है वो अपने आप को इतने देर में म्यूटेट कर लेते हैं। SARS वायरस भी RNA वायरस होता है और भी कई सारे वायरस जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं वो सभी ज़्यादातर RNA वाले होते हैं। DNA RNA विषाणु, जिनमें DNA और RNA दोनों होता है जेनेटिक मटेरियल, वो क्या कहलाते हैं? DNA RNA विषाणु। नॉर्मली सभी विषाणुओं में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर या तो DNA होता है या RNA होता है। अधिकांश पादपों जो वायरस है उनमें RNA होता है, अधिकांश जंतुओं में और जीवाणु भोजियों में DNA होता है, लेकिन कुछ विषाणु जैसे ल्यूको विषाणु और राउस विषाणु आदि में DNA और RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं और इसीलिए इनको DNA RNA विषाणु यानी कि DNA RNA वायरस कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।